आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा ऑनलाइन शिक्षण प्रातः वेला के 10वीं कक्षा में 10वीं के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत व अभिनंदन। आज विद्यार्थियों अपन भूतकाल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। उससे पिछले जो वीडियो था उस वीडियो में हमने वर्तमान काल के बारे में अध्ययन किया था, वो वर्तमान काल के भेदों के बारे में अध्ययन किया था। आज जो इस कालांश में अध्ययन करने जा रहे हैं वो भूतकाल है। भूतकाल का सामान्य रूप से अर्थ होता है जो समय जो बीत चुका होता है, वो कार्य की समाप्ति हो चुकी है, जो समय चला जाता है वो भूत के अंतर्गत आता है, भूतकाल के अंतर्गत आता है। हम भूतकाल की प्रमाणिक परिभाषा को स्मरण करते हैं जो इस प्रकार हैं। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसका बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का जो बोध होता है या ज्ञान होता है उसे भूतकाल कहते हैं। ये प्रमाणित परिभाषा है। अब अपन भूतकाल के कर्मशः भेदों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहला भेद है सामान्य भूत। अब सामान्य भूत जिसकी परिभाषा जो इस प्रकार है, जिस क्रिया पद से किसी भी कार्य का समाप्त होना बहुत ही कम समय पूर्व प्रतीत होता हो उसे हम सामान्य भूत कहते हैं। एक बार पुनः स्मरण, सामान्य भूत पहला भेद, जिस क्रिया पद से, क्रिया का जो पद है उससे किसी भी कार्य का समाप्त होना बहुत ही कम समय पूर्व प्रतीत होता है उसे सामान्य भूत कहते हैं। यानी जिस क्रिया पद से कार्य का समाप्त होने में जो बहुत कम समय में प्रतीत होता है, ज्ञान होता है, बोध होता है, तो वो सामान्य भूत के अंतर्गत आता है। और सामान्य भूत के अंतर्गत, इसके अंतर्गत पीछे सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। सबसे बड़ी विशेषता है सामान्य भूत में सहायक क्रिया की अपन प्रयोग नहीं करते। जो उसका उदाहरण है जो इस प्रकार है, उन्होंने खाना खाया वह अभी आया। अब देखिए, उन्होंने खाना खाया, अब कार्य की समाप्ति का समय बहुत कम समय पूर्व प्रतीत होता है कि उन्होंने खाना खाया, अब खाना खाया है, जैसे खाना खाया और वह अभी आया, और वह है वो अभी आया। इसका मतलब खाना खाना और वो आना, तो खाने खाने का जो समय है, आने से पूर्व जो खाने खाने का समय है वो बहुत ही कुछ समय पूर्व ही प्रतीत हो रहा है। जब कुछ समय पूर्व प्रतीत होता है तब वहाँ पर सामान्य भूत का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों अपने सामान्य भूत भूतकाल का पहला भेद का अध्ययन किया। अब कर्मशः भूतकाल के दूसरा भेद आसन भूत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आसन भूत की परिभाषा का स्मरण करते हैं जो इस प्रकार है, जिस क्रिया से यह प्रतीत हो, जिस क्रिया से यह प्रतीत हो कि कार्य कुछ समय पूर्व ही संपन्न हुआ है वह आसन भूत कहलाता है। यानी क्रिया के जिस पुनः स्मरण, क्रिया के जिस रूप से हमको ये प्रतीत होता है कि कार्य की समाप्ति कुछ समय पूर्व ही प्रतीत हुई है, बोध हुआ है, तब वहाँ आसन भूत कहलाता है। आसन भूत के अंतर्गत अभी देखिए उदाहरण है, उन्होंने खाना खाया है वह अभी आया है। अब देखो उदाहरण है इन दोनों वाक्यों में कि उन्होंने खाना खाया है, खाना अभी अभी खाया है,
पूर्णविराम, फिर वो अभी अभी आया है पूर्णविराम। अब देखेंगे कि यहाँ पर पूर्णविराम है वो अभी यानी उन्होंने खाना खाया है वो अभी अभी आया है, यानी कार्य की समाप्ति, खाने के जो कार्य की समाप्ति अभी भी कुछ समय पूर्व ही उपस्थित होती है, तब वहाँ पर आसन भूत कहलाता है। लेकिन आसन भूत के साथ जब सहायक क्रिया का प्रयोग हैं का होता है तब आसन भूत कहलाता है। सामान्य भूत के अंतर्गत वाक्य के या उदाहरण में सहायक क्रिया की है कि उपयोग नहीं हुआ था, सॉरी प्रयोग नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पर सामान्य भूत कहलाता है। लेकिन आसन भूत के अंतर्गत यहाँ पर कार्य की समाप्ति कुछ समय पूर्व ही प्रतीत होती है, बहुत कुछ समय पूर्व प्रतीत होती है, लेकिन उसके साथ में जब सहायक क्रिया का प्रयोग हो रहा है तब उसको सामान्य आसन भूत कहते हैं। उसके लिए मैंने नॉर्स रूप में दो पंक्तियाँ भी याद करने के लिए लिखी हैं जो इस प्रकार हैं। उपयुक्त वाक्यों से ज्ञात होता है कि सामान्य भूत के वाक्यों में सहायक क्रिया हैं सामान्य हैं या हैं और लगा दी जाती हैं तो वह आसन भूत बन जाता है। सामान्य भूत के अंतर्गत जब आपके हैं सहायक क्रिया का जो प्रयोग किया जाता है उसमें सामान्य भूत में नहीं होता सहायक क्रिया हैं का प्रयोग, और जब ऐसा वाक्य जब सामान्य क्रिया के अंतर्गत जब हैं या सहायक क्रिया का प्रयोग लगा दिया जाता है तो वो वाक्य वो आपके आसन भूत के अंतर्गत वाक्य माना जाता है और वो आसन भूत बन जाता है। विद्यार्थियों, अपन ने भूतकाल के दो भेदों का अध्ययन किया। अपन क्रमशः भूतकाल के तीसरे भेद का अध्ययन कर रहे हैं और तीसरे भेद जो इस प्रकार हैं, पूर्ण भूत। पूर्ण भूत सामान्य अर्थ समझते हैं, पूर्ण का मतलब है यानी पूरा, जिसकी परिभाषा है जिस क्रिया पदों से कार्य की समाप्ति, जिस क्रिया पदों से कार्य की समाप्ति बहुत समय पूर्व हुई हो उन्हें हम पूर्ण भूत कहते हैं। देखिए पुनः एक बार स्मरण, जिस क्रिया पदों के द्वारा कार्य की समाप्ति बहुत समय पूर्व हो चुकी हो उसको पूर्ण भूत के अंतर्गत लेते हैं। पूर्ण भूत यानी कार्य बहुत समय पहले पूर्ण हो गया हो, समाप्त हो गया हो, वो पूर्ण भूत के अंतर्गत आता है। अब मैंने दो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, पूर्ण भूत के दो उदाहरण हैं जो इस प्रकार हैं। भारत ने चीन व पाकिस्तान को मुंह तोड़ उत्तर दिया था, यानी इसका यह अर्थ है कि भारत देश के साथ जब पाकिस्तान और चाइना ने आक्रमण किया तो उसमें भारत की सेना और शक्ति के द्वारा पाकिस्तान और चीन का मुकाबला किया, तो उसका अर्थ यह है कि भारत ने चीन व पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, यानी भारत ने पाकिस्तान और चीन के साथ पहले जब युद्ध हुए हैं उन युद्धों में बहुत कड़ाई से मुकाबला किया, ये उसका अर्थ होता है, प्रत्युत्तर दिया। लेकिन अभी ना होकर के बहुत समय पहले जब युद्ध हुए थे, लड़ाई लड़ी गई थी दोनों देशों के साथ, उस समय मुंहतोड़ जवाब दिया, बुरी तरह पराजित कर किए ये भारत ने, यानी इस वाक्य में जो कार्य हुआ है समाप्ति हुई है ये बहुत समय पूर्व समाप्ति हो गई है, इसलिए इस वाक्य में उन पंक्ति के अंतर्गत
अपने पूर्ण भूत का समावेश हुआ है। दूसरा उदाहरण है, प्रधानमंत्री जयपुर आए थे, प्रधानमंत्री जयपुर आए थे यानी जो आने का जो समय है, आ गए थे, इसका मतलब समय चला गया, बीत चुका है। इस वाक्य में कार्य की समाप्ति पूर्ण हो गई है, कार्य प्रधानमंत्री आने का समय बहुत पहले पूर्ण हो गया है, इसलिए उसको पूर्ण भूत के अंतर्गत माना जाता है। विद्यार्थियों, अपन ने भूतकाल के तीन भेदों का अध्ययन व स्मरण किया, अब अपन क्रमशः भूतकाल के चौथे भेद का अध्ययन कर रहे हैं, जो इस प्रकार हैं, अपूर्ण भूत जो समय है, अपूर्ण यानी भूत हैं वो पूर्ण नहीं है, अधूरा है, इसलिए अपूर्ण कहते हैं। अब अपूर्ण भूत की परिभाषा समझते हैं, जो इस प्रकार है, जिस क्रियापद से यह सूचित हो, सूचित यानी ज्ञान हो, संदेश हो, सूचित हो कि कार्य पहले आरंभ हो गया था परंतु अभी तक भी उसकी समाप्ति प्रतीत नहीं हो रही है, वे अपूर्ण भूत के अंतर्गत आते हैं। देखिए, इसके अंदर अपूर्ण भूत के अंतर्गत है जिन क्रिया पदों के द्वारा कार्य पहले से ही कार्य आरंभ हो चुका था और उसकी समाप्ति अभी प्रतीत नहीं होती है। कार्य पहले से प्रारंभ हो चुका था और कार्य की समाप्ति का अभी प्रतीत नहीं हो रहा है, तब वहाँ उस वाक्य होगा वो अपूर्ण भूत के अंतर्गत आता है। हमने उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है, इस उदाहरण में वित्त मंत्री राज्य का बजट बना रहे थे। आप देखिए, वित्त मंत्री राज्य का बजट बना रहे थे यानी राज्य का बजट बनाने का कार्य पहले आरंभ हो चुका था, लेकिन अभी तक वित्त मंत्री का बजट बनाने का कार्य चल रहा है, यानी वित्त मंत्री राज्य का बजट बना रहे थे, यानी पहले वर्तमान में न होकर भूतकाल की बात कर रहे हैं कि वित्त मंत्री राज्य का बजट बना रहे थे, यानी कार्य आरंभ हो चुका है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है, कार्य अभी चल रहा है, इसलिए अपूर्ण भूत है, भूतकाल में अपूर्ण भूत है, क्योंकि भूतकाल में कार्य अभी भी चल रहा है, कार्य पहले ही आरंभ हो चुका था। इसी प्रकार हम सो रहे थे, सोने का काम पहले आरंभ हो चुका था और अभी सो रहे हैं भूतकाल में, तो जब इस प्रकार के वाक्य हो तब वहाँ पर अपूर्ण भूत के अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं। दसवीं के समस्त विद्यार्थियों, इस प्रातःवेला की कक्षा में हमने भूतकाल के चार भेदों का अध्ययन किया, इसके अंतर्गत जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को मैं PDF फाइल के माध्यम से आप तक प्रस्तुत करूँगा। आप अपने गृह कार्य की कॉपी में सुंदर लेखनी में करें और इनकी जो परिभाषाएं हैं वेदों की, उनको भी समय समय पर याद करते रहें।